अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो मुस्लिम दुनिया के अजीम बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक पर बनाई जा रही है। इस मुल्क की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक भी मौजूद है। ये मुल्क तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अजीज मुकद्दस और काबिल एहतराम है। मुस्लिम शिया मजहब के नजदीक ये सरजमीन बहुत ज्यादा मुकद्दस मानी जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हिस्ट्री, यहाँ का मौजूदा कल्चर और सद्दाम हुसैन के बारे में बताऊंगा। किसी भी किस्म के इस्लामिक टॉपिक पर बात नहीं की जाएगी जिससे सुन्नी मुसलमान और शिया मुस्लिम के दरमियान इंतशार पैदा हो। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो वीडियो का आगाज करते हैं। इराक, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक है, उर्दू में इसे जमहूरिया इराक बोला जाता है। इराक को एक लैंडलॉक कंट्री माना जाता है। लैंडलॉक का मतलब ऐसा मुल्क जिसको किसी भी जानिब से समंदर ना लगता हो। लेकिन इराक के इलाके अल जुबैर की जानिब से खलीज फारस की बिल्कुल ना होने के बराबर समंदरी साहली पट्टी भी लगती है, जो किसी भी हिसाब में नहीं आती। ये मशरकी वस्ता का एक खूबसूरत मुल्क था जिसे अमेरिका की नजर लग गई। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में तुर्की, मशरिक में ईरान, जनूब मशरिक में खलीज फारस और कुवैत, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में उर्दन और मगरिब में शाम से मिलती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक का कुल रकबा 4,38,317 मुरबा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। इस कुल रकबे के 4.62% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कुदरती आबशारों, झीलों और दरियाओं की सूरत में मौजूद है। इराक में बोली जाने वाली ऑफिशियल जुबाने अरबी और कुर्दिश हैं। इसके अलावा तुर्किश, आर्मीनी, फारसी और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इराक की कुल आबादी 4,35,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क बनता है। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये शहर दरिया दजला पर वाकया है। 762 ईस्वी में बगदाद को अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत के लिए चुना गया था। चंद ही अरसे बाद यह शहर मुस्लिम दुनिया का एक अहम सकाफती और तजारती शहर बन गया था। यह शहर दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज भी था। इस शहर ने सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पर दुनिया भर में शोहरत हासिल की। इस शहर के मशहूर मकामात में एरियल व्यू ऑफ ग्रीन जोन, हैदर खाना मॉस्क, जिसे पूरी दुनिया हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मजार के नाम से जानती है, जिन्होंने दीन इस्लाम का बहुत ज्यादा काम किया और लाखों लोग मुसलमान किए। औलिया कराम में इनका रुतबा सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर माना जाता है। स्टैचू ऑफ करीम कासिम, इराक मॉस्क, हाउस ऑफ सैसोन एस्कल, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज और व्यू ओवर बगदाद सरे फहरिस्त हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस शहर का कुल रकबा 673 मुरबा किलोमीटर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर की कुल आबादी 81,26,755 लोगों पर मुश्तमिल है। अब्बासी इस्लामी सुनहरी दौर में बगदाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता था। तब इसकी आबादी 10,00,000 से भी ज्यादा थी। इस शहर को 1258 में मंगोलों ने काफी हद तक तबाह कर दिया था। अमेरिका की जंग जो 2003 में शुरू हुई और 2011 तक जारी रही, इस जंग के दौरान इस शहर को बेहद नुकसान पहुंचा। बगदाद का कदीमी और सकाफती विरसा बहुत ज्यादा तबाह हुआ। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख पर, तो इराक की सरजमीन दुनिया में बसने वाले पहले इंसानों का सबूत देती है। गुजरे वक्तों के कदीम आसारात से यह साबित हुआ कि यहाँ सबसे पहले समीरी कौम आबाद थी, जिनके बाद शामी लोग यहाँ आकर आबाद हुए, जिनका मरकज बाबल हुआ करता था। मुसलमानों ने इस सरजमीन पर पहला हमला हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे हुकूमत में किया। 750 में यहाँ अब्बासी हुकूमत कायम हुई, जो एक तवील अरसे तक रही। 1258 में यहाँ मंगोल, तुर्कमान और सफारी कौमों की सल्तनतें कायम हो गईं, जो तकरीबन 3 सदियों तक कायम रहीं। 1534 में यहाँ उस्मानियों ने एक तवील खूनखार जंग के बाद इस इलाके को फतह कर लिया, जो
तकरीबन 4 सदियों तक उस्मानियों के कब्जे में रही। पहली जंगे अजीम के दौरान सन 1919 में यहाँ बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1921 में बरतानिया ने शाह फैसल को इराक का बादशाह मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने 12 साल हुकूमत की। 1933 में शाह फैसल की वफात के बाद फिर इनके बेटे गाजी तख्त नशीन हुए। गाजी ने 1939 में वफात पाई तो तख्त पर गाजी के बेटे शाह फैसल दोम आ गए। यह हुकूमत 1958 तक चली, फिर इराक के जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल दोम को मरवा दिया और हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 5 सालों बाद यानी 1963 में कर्नल अब्दुल्ला इक्तदार में आए, जो 1966 में एक फजाई हादसे में मारे गए। इनके बाद अब्दुल रहमान मुल्क के सदर बने। कुछ अरसे बाद इनकलाबी कौंसिल के जरिए हुकूमत को जनरल अहमद अल बकर को दे दी गई। 1989 को जनरल अहमद अल बकर के बाद जनरल सद्दाम हुसैन आ गए। फिर इराक की जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और इस शेर दिल जवान ने मुस्लिम दुनिया को तहफ्फुज भी दिया और मुसलमानों पर होने वाले मजालम का भरपूर जवाब भी दिया। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई, जो 1988 तक रही। इसी दौरान 1981 में इसराइल ने इराक बगदाद में कायम एटमी घर को तबाह कर दिया, जो इराक का सबसे बड़ा नुकसान था। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान और कुवैत की जंग में इराक को काफी नुकसान हुआ और इन दोनों जंगों में इराक नाकाम हुआ। 17 जनवरी 1991 में सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल फेंके, फिर इसराइल और इराक की जंग हुई। ये जंग 23 फरवरी 1991 यानी 1 माह 6 दिन मिसाइलों के साथ चली। इराक काफी कमजोर हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने बरतानिया की हिमायत हासिल करते हुए इराक पर हमला कर दिया, जिससे इराक में अबूरी सिविल हुकूमत कायम कर दी गई, जिसे मुकम्मल अमेरिका हैंडल करने लगा। सिविल हुकूमत ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दिया और अवाम को सद्दाम हुसैन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। पागल अवाम भी अमेरिका की बातों में आ गई और अपने अजीम लीडर के खिलाफ हो गई। आखिरकार सद्दाम हुसैन को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। 30 दिसंबर 2006 को 69 साल मुस्लिम दुनिया के बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, जिसके बाद इराक, शाम और फलस्तीन का क्या हाल हुआ सब कुछ आपके सामने है। सद्दाम हुसैन ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मुस्लिम दुनिया पर कोई मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। इराकी अवाम अमेरिका के जरिए तरक्की की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो गलत थी। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आज इराकी अवाम उन्हें याद करके रोती है। सद्दाम हुसैन का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ है कि सद्दाम हुसैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और इराकी अवाम की हिफाजत फरमाए। आज इराक में अमेरिका तो नहीं है, लेकिन अपना एक गहरा असर छोड़ गया है। आज इराक की 70% से ज्यादा आबादी मुफलसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। मुअज्जिज दोस्तों, बेशक इराक एक लोअर क्लास मुल्क बन गया है, लेकिन इसके बावजूद इराकी लोग अपनी याशियों को कायम दायम रखे हुए हैं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल करोड़ों लीटर शराब मुल्क में बनाई जाती है और सेल की जाती है। बहुत से कीमती ब्रांड्स की शराब गैर मुल्कों से इंपोर्ट होती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब देखने को मिलेंगे, जहां इराकी लड़कियां फास्ट ड्रेसेस में एंजॉय करती और डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको जगह जगह मिलेंगे। डांसिंग बार्स में लड़कियाँ इंतहाई नाजेबा लिबास तन करके डांस करती नजर आएंगी। गैर मुल्की लोग भी खूब इंजॉय करते नजर आएंगे। मुल्क में महंगाई गैर मुल्कियों के लिए तो ना होने के बराबर है, क्योंकि इराक की करेंसी बिल्कुल लो है। इराक की करेंसी इराकी दिनार है। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो इराकी 4.69 दिनार बनते हैं और इंडियन 1 रुपये के बदले 15.75 इराकी दिनार बनते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए कितनी महंगाई है। इराक का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है, लाल, सफेद और काला। सफेद रंग के ऊपर अल्लाह अकबर सब्ज रंग से लिखा गया है। दुनिया में सबसे पहला पहिया भी इराक में बनाया गया, जिसे लकड़ी से तैयार किया गया। दुनिया को टाइम जोन बताने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने दुनिया को बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इराक का कौमी जानवर बकरी है और कौमी परिंदा चकोर है। 1987 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 80% अरबी लोग आबाद हैं।
15% कुर्दिश और बाकी 5% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 95% मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, जिनमें 61% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुस्लिम शामिल हैं। इन 95% के अलावा 2.5% क्रिश्चियन और बाकी 2.5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, इराक की माशियत का दारोमदार कुदरती आयल और गैस है, जिसका भरपूर फायदा आज तक अमेरिका उठाता चला रहा है। ये दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल के जखायर रखने वाला मुल्क है। इराक का कौमी फूल सुरख गुलाब है और कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। करबला शहर को मुस्लिम दुनिया अच्छे से जानती है और बेपनाह मोहब्बत भी करती है। इस शहर में हमारे प्यारे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक भी मौजूद है और हजरत गाजी अब्बास अलैहि रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार मुबारक भी मौजूद है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुकद्दस और अजीम है। शिया मुस्लिम साल में 2 दफा ज़वारी के लिए आते हैं। दुनिया के 56 से ज्यादा ममालकों से लोग पैदल यहाँ का सफर करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया से मुसलमान इन पाक हस्तियों के पास जाने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि सबसे पहले अपना घर, फिर अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का रोजा मुबारक दिखाए, फिर तमाम मुसलमान अजीम हस्तियों के मजारात पर हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करबला शहर का कुल रकबा 42.4 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 12,18,732 लोगों पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक की सरजमीन पर इमाम मूसा काजम रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपके पोते सैयद मोहम्मद तकी जवाद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार मुबारक भी मौजूद है। हजरत इमाम मूसा काजम आले नबी औलाद अली हैं। इनकी पैदाइश 745 में मदीना मुनव्वरा में हुई और इन्हें अल काजिम के लकब से जाना जाता है। पूरे इराक में सड़कों का एक वसीओ अरीज जाल बिछा हुआ है। बहुत सी जगहें बमबारी की वजह से तबाह हो गईं, सड़कें साथी मुल्कों में भी जाती हैं। इराक में ट्रेन का बेहतरीन निजाम मौजूद है, लोग ज्यादातर सफर ट्रेन का करते हैं, हत्ता के दूसरे मुल्कों से भी लोग ट्रेन का सफर करके यहाँ आते हैं। इराक में बस ट्रांस और टैक्सी का बहुत ज्यादा काम है, जिसकी वजह सारा साल पूरी दुनिया से जायरीन का आना है। टूरिस्ट इंडस्ट्री इराक की सबसे बड़ी मुआशी इंडस्ट्री है, जिससे मुल्क को बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। पाकिस्तान से बाई रोड बसें इराक जाती हैं और हर साल लाखों पाकिस्तानी बाई रोड इराक का सफर करते हैं। इराक का सालाना जीडीपी 512.926 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 12,141 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 33,93,409 रुपयों के बराबर और इंडियन 10,10,351 रुपयों के बराबर है। इराक का कॉलिंग कोड +964 है और इंटरनेट डोमेन नेम .iq है। इराक में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे इराक में 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इराक की कौमी एयरलाइन इराकी एयरवेज है। मौजूदा दोस्तों, इराक की सरजमीन ज्यादातर खुश्क रेगिस्तानी है। मुल्क का 45% रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इराक में तालीम की शरह सिर्फ 55% है। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, खास तौर पर इराकी लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। मुल्क में हेल्थ का शोबा भी बराए नाम है, लोग अद्वियात और इलाजात का अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते। दरियाए फुरात और दरियाए दजला के करीबी इलाके मुकम्मल तौर पर सरसब्ज हैं और इन इलाकों में बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर काश्तकारी भी इन दरियाओं के करीबी इलाकों में ही की जाती है। इराक का मौसम गर्म रहता है। इराक में भी 4 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी, खजां, बहार। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बर्फबारी भी होती है। इराक पाकिस्तान से 2,438 किलोमीटर की दूरी पर वाकिया है। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इराक की सरजमीन इस्लामी तारीख से मालामाल है। इराकी लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं, खास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियाँ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। दुनिया का आला से आला फैशन होता है। इराकी लोग सफेद यलश रंगत रखते हैं, जो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इराक के शहर बगदाद में मौजूद बगदाद चिड़ियाघर दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में शुमार होता है। यहाँ 600 से ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, लेकिन काफी सालों से इस चिड़ियाघर की हालत काफी खराब है। अब तक कई जानवरों की मौत हो चुकी है। इराक में एक कसीर तादाद बेरोजगार लोगों की है, जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से करते हैं। हत्ता के इराक में साफ पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। मुल्क के सिर्फ 75% लोगों को साफ पानी मुहैया
किया गया है। बाकी लोग नहरी पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। इराक की कौमी डिश मसगफ है। दरअसल ये मछली है जिसे गर्म ऑयल में फ्राई किया जाता है। लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। मौजूदा वक्त में इराक के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं और अब तो स्पाइसी खाने भी पसंद करते हैं, वगरना इनके खाने इंतहाई फीके होते हैं। इराक का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेली जाती है। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नासिर खुदा हाफिज़।